sayang, kamu juga sayang. Tapi sayang, kita berjauhan. Tahan, tahan, ku sabar menahan. Hingga nanti bertemu dirimu. Swagat to karo hamara. Okay, so hello, what's up guys, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से डीमन किंगडम के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में हम लोग रोल्स की कॉस्ट्यूम पहन के उन रोल्स का गेम प्ले निकालने वाले हैं। लास्ट टाइम जो ये मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने तीनों फैक्शन से एक एक रोल लिया था, बट इस बार मैंने सारे इंपोस्टर फैक्शन के रोल लिए। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग बनने वाले हैं द कॉन्ज्यूरर। अब पूछा किसी ने नहीं पूछा। कॉन्ज्यूरर की कॉस्ट्यूम मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही खोली है, लेजेंडरी स्किन है वो, मेरे को भाई स्क्रीन शॉट से मिली थी और तुम लोग भी भाई स्क्रीन शॉट से इजीली खोल सकते हो। साथ साथ ही जो कंजरर का हेड है ये भी भाई मेरे को जो है बॉक्स में से मिल गया था तो मैंने भाई वहीं से खोल लिया था। यार अभी भाई मैंने कंजरर के साथ एनर्जी ड्रिंक नाम की एक जो है जिमिक लगा रखी है, तो बस फिर क्या है जैसे भाई मैं जो है इलेक्ट्रिकल का सपोर्टाज दूंगा मेरी किल इसका कूल डाउन होगा, मैं भाई वैसे ही एनर्जी ड्रिंक पी लूंगा जिससे क्या होगा मेरा कर्ज का कूल डाउन भर जाएगा। भाई देख रहो पिंक भाई का जिगरा देखो, अरे भाई मेरा नेट मर गया भाई, ये मेरे को भी ना खा ली, कभी पता चले भाई मैं भी पिंक के पेट में ही हूँ, मेरा नेट जिस हिसाब से मर रखा। ओके भाई ओके मैंने किल कर दिया और पिंक ने बताऊं खाया भी किसे था, मेरे पार्टनर को देख रहा, मेरे सामने सामने भाई ये बंदा मेरे पार्टनर को खा रहा है। अभी भाई मुझे माफ कर दो, क्या है भाई मेरा तो कर्ज का भर रखा, बट भाई मैं दोबारा से एक बार और एनर्जी ड्रिंक पी लेता हूँ जिससे भाई जल्दी जल्दी मेरा कर्ज का कूल डाउन भरता रहे, क्योंकि भाई मेनली मैं कर्ज स्किल पे ही फोकस करने वाला हूँ क्योंकि भाई वो ही ज़्यादा इजी रहते हैं, क्योंकि भाई टाइम मास्टर भी गेम में अगर भाई गलती से भी टाइम मास्टर ने मैंने किसी को किल करा और टाइम रिवाइंड कर दिया ना तो सीन है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। खैर अभी भाई मैंने देखा था कि एडमिन में ऑरेंज खड़ा हुआ, तो मैं काम करता हूँ मैं जाके ऑरेंज को कर्ज कर देता हूँ और उस पर भी अगर टाइम मास्टर रिमाइंड करेगा तो उसका कर्ज तो खत्म होगा नहीं। तो अभी भाई यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है बट मैंने गलती से रेड को कर्ज कर दिया और ऑरेंज भाई देखो वहीं पर खड़े हैं, ऑरेंज भाई ने बस मेरे को देखा ना होना सीन हो जाएगा। ओके भाई यहाँ पे पिंक की डेड बॉडी रिपोर्ट हुई और यहाँ पे लोगों ने ऑरेंज को फेंक दिया ये कहते हुए कि ऑरेंज जो था वो रेड के साथ था और रेड मर गया। एंड भाई अगर इससे अगर तुम सीधे सीधे एक बंदे को फेंक रहे हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। तो अभी भाई दोबारा यहाँ पे गेम कंटिन्यू होता है, वो भाई मैं देने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल का सैबोटाज जो भाई मैं दोबारा कर्ज करके किल करने वाला हूँ जिससे क्या होगा जल्दी से बंदा मरेगा, शायद से अपने को ये लास्ट किल करना है उसके बाद हम लोग इस वाली गेम को जीत जाएंगे। तो बस फिर क्या था मैंने दे दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सैबोटाज, बट यहाँ पे इंजीनियर था जिसने शायद से फिक्स कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर इंजीनियर ने फिक्स भी कर दिया तो मेरा क्या, मेरा तो कूल डाउन होने वाला है तो मैं अब क्या करूँगा, मैं भागता हुआ जाऊँगा, मेरा कर्ज का तो भरने वाला है तो मैं कर्ज भी कर दूंगा। ओके यहाँ पे भाई अंदर की साइड में आ चुके हूँ, यहाँ पे भाई ग्रीन येलो वगैरह खड़े हैं, तो मैं इनमें से एक को कर्ज कर देता हूँ, कर्ज करके भाग जाता हूँ भाई कैसे क्या ही पता चलेगा। खैर अभी मेरा पार्टनर जा रहा है जिसने ब्राउन को किल कर दिया, बट अभी तक गेम खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि इसके मरते ही गेम खत्म होगा। भाई यहाँ पे मैंने मारा येल्लो को, मेरे पार्टनर ने मारा ब्राउन को, इसी के साथ ये वाला गेम खत्म हो जाता है और मैं बन जाता हूँ एमवीपी। तो चलो भाई हम चलते अपने नेक्स्ट रोल की तरफ जो कि होने वाला भाई सेम अपनी मतलब जो रोल में बनूंगा उसी की कॉस्ट्यूम के साथ। तो नेक्स्ट रोल जो भाई मैंने चुना वो है स्पाई। अब स्पाई भी जो है तुम्हें स्क्रीनशॉट्स वाली कॉस्ट्यूम से बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाएगा, ये वाली कॉस्ट्यूम तो इतनी ज़्यादा रेयर भी नहीं है तो तुम लोग इसे जल्दी खोल लोगे। तो यहाँ पे भाई मैं बन चुका हूँ यहाँ पे स्पाई आधे साल जेनेटर और एम्प्रेस भाई मेरे सजेशन में आते वैसे बोला जाए तो, जेनेटर की भी मेरे पास कॉस्ट्यूम है जिसका भाई नेक्स्ट गेम प्ले होने वाला है। सो भाई यहाँ पे अभी हम आ चुके हैं स्पाई बन के और मेरा पार्टनर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, उसने सुपर पास ले रखा है। क्या मतलब मैं भी अमीर हूँ, मेरे पास तो भाई लूसीफर भी है बट फिर भी भाई गरीब वाले कपड़े पहनने में मज़ा आता है। अब तो भाई लेजेंड किलर भाई ने भी सुपर पास ले लिया भाई, मेरी बदौलत भाई मैंने दिलवा दिया आखिरकार लेजेंड किलर भाई को सुपर पास अपना। फिर भी भाई छोड़ो मैं और बोलूंगा तो गंदी बातें होंगी, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का सैबोटाज दे देता हूँ, उसके बाद भाई जो भी इलेक्ट्रिकल में जाएगा उसको भाई मैं अपना कलर चेंज करके मार डालू ताकि इन लोगों को मेरे पे शक ना हो बल्कि उस सामने वाले बंदे पे शक हो। तो भाई बस क्या था मैं जा रहा हूँ भाई, और यहाँ पे भाई एक्सपर्ट मोड है तो भाई मैं यहाँ पे एक्टिंग भी कर सकता हूँ ये वाला टास्क करने के, मेरे साथ भाई हैनी भी अटैच है देख रहा हूँ, मतलब कितना ज़्यादा सपोर्ट है मेरे पास। तो भाई मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ग्रीन खड़ा हुआ, ग्रीन पिंक रोल खड़े हुए थे तो भाई मैं उनके सामने खिल करके आ गया, वहीं सियान भी था यहाँ पे भाई मेरे पीछे पीछे ब्लू भी आ रही, तो मैं काम करता हूँ भागता हुआ जाता हूँ मैं उस स्टोरेज का डोर लॉक कर देता हूँ, सबसे बढ़िया यही था। बट यहाँ पे भाई इन्होंने ग्रीन की डेड पूरी रिपोर्ट करी और इन लोगों ने सियान को निकलवा दिया ये कहते हुए कि सियान ही अपना स्पाय
कमाल एकदम। खैर क्या ही कर सकते हैं भाई, इन लोगों का मानना, इन लोगों की सोच। खैर अभी भाई मैं यहाँ पे कलर लेने वाला था ब्लू का, बट नहीं ले पाया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे व्हाइट का कलर। अब व्हाइट का कलर लेने के बाद भाई मैं जाके दोबारा से किल करूंगा एकदम ताबड़ तोड़ पलंग तोड़ की तरह। अब यहाँ पे सबसे पहले तो भाई मेरे को इलेक्ट्रिकल का सबटाज देना, ओके भाई यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल का सबटाज दे दिया। और यहाँ पे भाई सारे बंदे जो है इलेक्ट्रिकल की तरफ ही आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के इधर को आ जाता हूँ मैं, और मेरे अपने मैं अपने पार्टनर के साथ जाने देता हूँ इसे। देन जैसे भाई मेरा पार्टनर किल करेगा भाई, मैं भी व्हाइट का कलर लेके जाकर अंदर जाके पेल दूंगा। ओके 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 भाई अंदर व्हाइट गया, ओके मैं भी व्हाइट बन के जा रहा हूँ। यहाँ पे भाई रेड खड़ा होता, अगर ये डेड पूरी रिपोर्ट करता तो बेच हो सकता था, बट अब कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे कर दिया व्हाइट को किल, व्हाइट का कलर लेके, और इसी के साथ हम लोग इस वाली गेम को भी जीत चुके हैं, और इसमें भी हम लोग बन चुके हैं MVP। तो चलो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रोल की तरफ। तो नेक्स्ट रोल जो मैंने चुना वो है भाई जेनिटर। अब इसमें भी भाई मेरे को एम्प्रेस और इम्पोस्टर एज अ सजेशन दिया था, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे रहे हैं तो दे रहे हैं। भाई यहाँ पे मैं बन चुका हूँ जेनिटर अपना, और मेरा पार्टनर देखते हैं क्या बनेगा। मेरा पार्टनर यहाँ पे रेड है, जो कि पहना हुआ है मैफियोसो की कॉस्ट्यूम, बट इसका कलर व्हाइट है भाई, ये तो नाम से ही ढोंगे क्या कर सकते हैं। और देखते हैं भाई ये क्या बना हुआ है, बाउंटी हंटर। मतलब जेनिटर और बाउंटी हंटर का तो कोई मैच ही नहीं है भाई इन, मतलब ये दोनों रोल जो है, ये दोनों रोल एक साथ खेलने के लिए बने ही नहीं है। जहाँ बाउंटी हंटर धनाधन किल कर सकता है, वहीं जेनिटर से क्लीन अप कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। देख रहा हूँ, ओके भाई यहाँ पे एक किल कर दिया मेरे पार्टनर ने, बहुत अच्छी बात है जो कि, और दूसरा भी किल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया, दो दो किल यहाँ पे मेरे पार्टनर ने कर दिए हैं। और भाई मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई डेड बॉडी सफा करने, भाई डेड बॉडी सफा करने। ओ भाई डॉक्टर आ गया क्या, डॉक्टर डेड बॉडी हिलाता हुआ जा रहा है भाई शायद से। ओके भाई डॉक्टर आ चुका है, ये कौन है डॉक्टर, ओके भाई वाइट डॉक्टर है, और मेरे पार्टनर ने यहाँ पे डेड बॉडी रिपोर्ट कर दी, शायद से मेरा पार्टनर वोट आउट हो जाएगा, नहीं हुआ, रेड कह रहा शायद से, मतलब मैंने गलती से डेड बॉडी रिपोर्ट कर दी। मेरे पास डेड बॉडी रिपोर्ट का आया, और उसे लगा कि वाइट इंपोस्टर है। वाइट ने बोला नहीं मैं डॉक्टर हूँ, फिर मैंने बोला हाँ भाई वाइट डॉक्टर है, और फिर वो बंदा मान गया। क्या बोलूं मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। देख रहा हूँ, मतलब अगर तुम लोग लोग हो तो यही होता है भाई गेम में। गेम में जब लोग बंदे आते हैं तो यही होता है, तुम्हारे साथ। खैर अभी जो है इस वाली गेम में हमारे साथ हिंदू प्लेज भी हैं, जिनके साथ भाई मैंने डिंडोरा वाली वीडियो भी डाली थी, वो भाई गेम में आ गए तो उन्होंने बोला डीमन भाई पहचाने डबल, लाइक भाई आप तो है कौन, फिर वो बताते हैं मेरे को कि भाई मैं हिंदू प्लेज हूँ, एंड आई वाज लाइक ठीक है भाई तुम हो अच्छी बात है, साथ में तुम हो तो थोड़ा बहुत टीम अप ही कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ पहले भी। बट यहाँ पे भाई इन्होंने इस मीटिंग बिठाई क्यों पता नहीं, और यहाँ पे भाई इन्होंने इस मीटिंग बिठाई क्यों मीटिंग भी स्किप करा दी। आई मीन ये लोग मीटिंग क्यों बिठाते हैं जब इन्हें मीटिंग स्किप ही करानी होती है तो। बट मुझे नहीं पता भाई, लिटरली जब तुम्हारी गेम पे 18 मिनट के पहुंच जाना मीटिंग के बाद, तो तुम्हारा दिमाग यही बोलता है कि आखिरकार क्यों। खैर अभी भाई यहाँ पे मेरे पार्टनर ने दोबारा से इलेक्ट्रिकल का सबटाज दे दिया, तो भाई मैं यहाँ पे भी इसे फिक्स कर देता हूँ, इस वाली जो चीज़ है। भाई मैंने अभी तक एक भी डेड बॉडी क्लीन नहीं करी है, मतलब जिस जो इस रोल का काम है मैंने वो काम ही नहीं करा। वाह टाइम मास्टर भी टाइम रिवाइंड कर, सब कर लो भाई, तुम सब लोग तुम सब कुछ अभी कर लो। खैर मुझे क्या भाई, मैं तो भाई जा रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ही धुनुम धुनुम धुम करता हुआ। मेरा किल तो भर चुका है, यानी मेरे पार्टनर का भी भर चुका, तो मेरा पार्टनर भाई किल करो, सिर्फ एक किल करो भाई, मैं क्लीन अप तो फिर कर ही दूंगा। ओके भाई मेरा पार्टनर जो है मतलब अपना पता नहीं क्या करना चाह रहा है, बट वो कुछ तो करना चाह रहा है, शायद उसकी बाउंड्री किसी और को मिली होगी, मतलब उसको किसी और की बाउंड्री मिली होगी। खैर अभी भाई यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल फिक्स कराने हो, हमने इलेक्ट्रिकल भी फिक्स करा लिया, वाइट भाई बाहर ही खड़े हुए, फिर मेरा पार्टनर जो है सिक्योरिटी साइड जा रहा है, और उसके पीछे पीछे भाई ऑरेंज भी आ रहा है, तो क्या करेगा ये, ऑरेंज को किल करेगा क्या, मे भी हो सकता है ये ऑरेंज को किल करे। ओके भाई हम बाहर आ चुके हैं सिक्योरिटी से भी निकल के, बट पता नहीं क्यों ऑरेंज हमारा पीछा कर रहा है, शायद से इसका नाम तुक के बाद शेरिफ, इसलिए शेरिफ हो सकता है शायद कह सकता हूँ। फिर अब हम दोबारा इलेक्ट्रिकल की तरफ आ चुके हैं, बट मेरे पार्टनर ने अब तक ओके किल कर दिया, फाइनली किल कर दिया, तो अभी मैं काम करता हूँ, मैं डेड बॉडी क्लीन कर देता हूँ। भाई यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, क्या हुआ क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। खैर अभी चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। भाई यहाँ पे ग्रीन और अपना जो एक और था ब्लू, वो भाई वहाँ पे एक साथ खड़े हुए थे, और मेरा पार्टनर और मैं इधर की साइड में आ चुके हैं, और अब हम दोबारा भागते हुए जा रहे हैं, और टाइम मास्टर भाई भी टाइम रिवाइंड करना, बस वो बंदा ओके इतना लंबा तो टाइम रिवाइंड नहीं कर पाएगा कि वो जिंदा हो जाए। खैर अभी हम यहाँ पे भाई दोबारा इलेक्ट्रिकल की तरफ से बाहर निकल रहे हो, मेरे पार्टनर ने ऑटो का यहाँ पे सबोटाज दिया है, वो शायद से किसी को किल करने जा रहे हो, जिसको किल करने जा रहे हो उसकी उसे बाउंड्री मिली हुई शायद से। खैर अभी हम भाई यहाँ पे खड़े हैं, भाई ये रिएक्टर पे पता नहीं हाथ लगा रहे थे क्या कर रहा था, बट कुछ तो कर रहा था, ये भाई ग्रीन के साथ था, बट इसने ग्रीन को किल नहीं करा, यानी ये सिर्फ उसे बाउंड्री का किल कर रहा है, बट क्या होगा ये, क्या करना क्या चाह रहा है भाई मेरा पार्टनर, कोई मेरे को ये बताओ। ओके भाई ये ग्रीन की तरफ जा रहा था, शायद से इसने भाई गलत किल कर दिया, जिसकी वजह से भाई इसका कूलडाउन बढ़ चुका है, ये हो सकता है, यही हो सकता है भाई, और कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। तो खैर अभी भाई मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ बार बार, और भाई पर्पल भाई ने मतलब हमारे हिंदू प्लेस ने दोबारा से मीटिंग बिठाई, और दोबारा से मीटिंग स्किप करा, इन लोगों का शक मेरे पे जा तो रहा, बट ये लोग मेरे को निकलवा नहीं रहे, ये कहते हैं कि भाई तुम जो बंदा जेनेटर के कपड़े पहन सकता हो, जेनेटर नाम रख सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो जेनेटर ही बने। खैर मुझे क्या भाई, मैं जो भी बनाऊँ पता नहीं क्यों बनाऊँ, और इसके साथ क्यों बनाऊँ, क्योंकि भाई ये बंदा बिल्कुल भी किल नहीं करके दे रहा है, शायद से रॉन्ग किल कर रहा है, जिसकी वजह से भाई इसका कूल डाउन बढ़े चले जा रही है, पता नहीं क्या हो रही है, बट कुछ तो हो रही है इधर।
भाई तुम लोगों को समझ में आ रहा हो तो भाई मेरे को भी बताना, क्योंकि मेरे को तो समझ में नहीं आ रही। खैर अभी हमारे हिंदू भाई भी हमारे साथ ही साथ फिर रहे हैं, और साथ ही साथ अपना ये जो वाइट है ये भी हमारे साथ ही साथ फिर रहा है। आई डोंट नो क्यों हम सब लोग एक साथ फिर रहे हैं, बट फिर रहे हैं भाई। अगर ऐसे ही फिरते रुक तो मेरा पार्टनर किल थोड़ी ना कर पाएगा, क्योंकि और मेरा पार्टनर किल नहीं कर पाएगा तो भाई मैं क्लीन अप थोड़ी ना कर पाऊंगा। खैर अभी भाई मेरा पार्टनर थोड़ा सा अलग गया इन लोगों से, हमारे हिंदू भाई इसको हम लोगों ने मतलब हिंदू प्लेस जो हमने उसे पीछे छोड़ दिया, और शायद से वो पीछे ही रह गया। बट अभी मेरा पार्टनर जो इधर की साइड में आ चुका है, वाइट नाम का बंदा, और ये वाइट को ही किल करने वाला है मे बी। और ये वाइट को इसने किल करो भाई, मैं यहाँ पे क्लीन अप कर देता हूँ जल्दी से। वो भाई जल्दी से भाग जाता हूँ यहाँ पे, बट भाई सियान मैंने इमरजेंसी मीटिंग बिठाई, और उन्होंने बोला कि मैं स्काउट हूँ, मैंने स्काउटिंग करके देख लिया कि अपना जो है रेड और येलो इम्पोस्टर। बट हम लोगों ने बोला नहीं भाई, हम तो इम्पोस्टर नहीं है भाई, हो सकता है कि तू ही इम्पोस्टर हो, बट फिर ऐसी तू तू मैं भाई ये जो है मीटिंग जो है एक साथ जो है टाई हो चुकी है। खैर अभी क्या भाई, अभी हम लोग यहाँ पे दोबारा से भाई इलेक्ट्रिकल का सेबोटाज खुलने वाले हैं, और भाई मैं और मेरा पार्टनर मेरे साथ ही फिर रहा है, और साथ ही साथ भाई हिंदू भाई भी हमारे साथ ही, मतलब हम सब लोग एक ही साथ ही हैं। तभी भाई मेरा पार्टनर किल नहीं कर पा रहा, भाई मेरा पार्टनर की भी किलस रही होगी कि भाई ये क्या बंदा बन के बैठ गया। क्योंकि भाई अब तक देखा जाए ना तो दो दो बंदे एक साथ फिर रहा है, अगर मैं जो है नॉर्मल इम्पोस्टर होता तो भाई मैं इजीली किल करके मेरे पार्टनर के साथ अब तक गेम को जीत जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। खैर अभी भाई मेरा पार्टनर जा रहा है तेजी में ग्रीन की तरफ भागता हुआ, शायद से ग्रीन को किल करने वाला है। ओके ओके कर 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 ग्रीन को किल कर दियो, बस ग्रीन को किल कर दो भाई, क्लीन अप तो मैं कर दूंगा भाई। अब यहाँ पे भाई इलेक्ट्रिकल की तरफ भी ओके भाई, यहाँ पे हिंदू भाई ने दोबारा से मीटिंग बिठाई और हम लोगों ने सियान को निकलवा दिया, क्योंकि भाई ये बंदा जो है मेरे पे बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे पे बहुत ही ज्यादा इल्जाम लगा रहा था, बट फिर क्या था हमने इसे निकलवा दिया। बट अब मेरे पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ एक किल करना है गेम जीतने के लिए, सो भाई मैं वही कह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का सेबोटाज दे देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल का डोर लॉक करके उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल का सेबोटाज दे देंगे। अब हम यहीं पे खड़े रहेंगे, मेरा पार्टनर जैसे किल करेगा हम लोग इस गेम को तो जीतने वाले हैं, बट एमवीपी कौन बनेगा ये नहीं पता, क्योंकि भाई मेरे पार्टनर ने किल करें बट मैंने किल नहीं करे। खैर अभी भाई हम लोग यहीं पर खड़े हैं, हिंदू भाई हमारे साथ ही खड़े हैं, और पता नहीं सिंगल आदमी नाम रख के क्यों है भाई ये, बट रखे हैं मेरा कूल डाउन तो होने वाला है यहाँ पे, और हिंदू भाई भी खड़े हैं चुपचाप ना जाने, क्यों शायद से ये फैंटम है, ये मरने की फिराक में यहाँ पे खड़े हैं। खैर खड़े में तो क्या हम क्या कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हिंदू भाई को मेरे पार्टनर ने किल करा, और इसी के साथ हम लोग इस वाले गेम को भी जीत चुके हैं, और मैं बन चुका हूँ यहाँ पे एमवीपी। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, वीडियो अगर जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल भी नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों से कोई न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड पीस आउट।